और राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। दो युवकों के शव ग्रेटर नोएडा डिपो मेट्रो स्टेशन के पास पड़े मिले हैं। दोनों की गोली मारकर हत्या की गई है। इनके पास से एक अवैध तमंचा भी बरामद किया गया। हालांकि अभी तक दोनों शवों की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने आसपास के लोगों को बुलाकर शव की पहचान करने की कोशिश की। इस मामले में सीओ तनु उपाध्याय ने बताया कि दो युवकों के शव गोली लगी हुई हालत में मिले हैं। इनके पास से एक अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है।